गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इनहेंसर रितिका। आई होप आप लोगों को मेरी कल वाली वीडियो पसंद आई होगी। गाइस बिलीव मी दैट इज द बेस्ट रेमेडी दैट यू कैन यूज फॉर योर टैंड स्किन। सो गाइस बात करती हूँ आज की वीडियो की। अगर आपको कल की वीडियो पसंद आई है तो हाँ प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दैट वीडियो। और आपकी मुझे बहुत सी क्वेरीज मिली कॉमेंट में जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगी। सो गाइस मैं आज की वीडियो के बारे में बात करती हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू पेयर डिफरेंट वेस्टर्न ड्रेसेस विद डिफरेंट स्टाइल्स। हम लोगों को क्या होता है कि हमें आए दिन कॉलेजेस की पार्टी में, ऑफिस की पार्टी में, या अपनी फेयरवेल पार्टी होती है या हमारा कॉन्वोकेशन होता है, हमें तरह तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई करनी होती है, पहननी होती है, बट हमें समझ नहीं आता कि हम उस पर कौन सा स्टाइल कैरी करें। तो आज मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल से लेकर शू पेयरिंग और हील्स पेयरिंग तक सब कुछ बताऊंगी। सो गाइस देखते हैं आज मैं कौन सी पहली ड्रेस वेयर करूंगी, लेट्स सी। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट ड्रेस, मैं इसे वेयर करने वाली हूँ। ये ए लाइन ड्रेस है और ये पहन के बहुत ही ऑसम लुक देती है। ये आप पार्टी में, कॉलेजेस में, कहीं भी पहन सकते हैं। सो आइए लेट्स स्टाइल इट आउट। I carried my this dress like this. I make side puff. See, I made side puff from both the sides with big loops, and I carried grey heels on this dress. आप चाहें तो ब्लैक कैरी कर सकते हैं, मुझे ग्रे अच्छी लगी थी। आई थॉट कि समथिंग डिफरेंट हो जाए, सो आई कैरीड ग्रे हील्स। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। ये लुक आप कोई भी अपनी छोटी सी बर्थडे पार्टी हो, चाहे छोटी सी ऑफिस की कोई पार्टी हो, या आपका कोई टीम लीडर का बर्थडे हो, आपका बॉस का बर्थडे हो, तो आप उस पार्टी में भी ये लुक कैरी कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली लुक बेटर और सब आपकी बहुत ही तारीफ करने वाले हैं। आइए देखते हैं मेरा नेक्स्ट लुक कौन सा होगा। सो गाइज दिस इज माई सेकेंड ड्रेस, दिस इज़ अ टी शर्ट ड्रेस, और ये फंकी लुक कैरी करने में बहुत काम आती है। जब भी आपको कहीं ऐसे अपनी फ्रेंड से पास में मिलने जाना हो, या मॉल जाना हो, या आपका फ्रेंड आपसे मिलने यहीं आया हो, चाहे फ्रेंड आई हो, तो आप इस ड्रेस को पहन के जाइए, एक फंकी सा लुक कैरी कीजिए। आइए मैं दिखाती हूँ कि वो फंकी लुक कैसा होगा, लेट्स स्टाइल इट आउट। सो गाइज आई एम हियर विद माई सेकेंड लुक। आप देख सकते हैं मैंने इस टी शर्ट ड्रेस को एक हाई बन के साथ कैरी किया है एंड विथ शूज, क्योंकि ये फंकी लुक है तो शूज़ के साथ ही अच्छा लगेगा। ये ड्रेस हील्स के साथ नहीं अच्छी लगेगी। तो आपके पास भी अगर टी शर्ट ड्रेस है तो डू ट्राई विथ दीज टाइप ऑफ हेयर स्टाइल एंड दीज टाइप ऑफ शूज़, इट विल लुक बेस्ट। और ये बहुत अच्छा है हमें, मतलब डेली अगर हमें अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाना है, या कहीं रेस्टोरेंट जाना है, या हमारी फैमिली का ही कोई छोटा सा फंक्शन है, तो हम उसमें ये ड्रेस जरूर पहन सकते हैं और इट विल गिव यू अ वेरी फंकी येट वेरी क्लासी स्टाइल। आइए देखते हैं मेरी थर्ड ड्रेस कौन सी है और वो कैसी लगेगी। सो गाइज दिस इज माई थर्ड ड्रेस, सी दिस इज द सेट ऑफ ओपन पैंट और लाइक ट्राउजर, बट थोड़ा सा खुली खुली है ये, और ये बहुत प्यारा है और इसके ऊपर श्रग है। मैं आपको इसे स्टाइल करके दिखाती हूँ कि कैसी लगेगी, लेट्स स्टाइल इट आउट। सो गाइस दिस इज माय थर्ड लुक। आप देख सकते हैं मैंने अपने इस थ्री पीस ड्रेस को किस तरह से कैरी किया है। इसमें एक क्रॉप टॉप है, एक बेल्टेड पैंट है और एक श्रग है, और मैंने इसे फ्रेंच पफ के साथ कैरी किया है। ये फ्रेंच पफ बना के बहुत प्यारा लगता है, और छोटे से इयररिंग और एक नेक पीस के साथ कैरी किया है, क्योंकि ये श्रग ड्रेस आपके लिए बर्थडे पार्टीज में जाने के लिए, कोई फैमिली फंक्शन में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपके पास भी ऐसी ही पैंट ड्रेस है तो आप इसे किसी भी पार्टी में पहन सकते हैं, और इस तरह का लुक कैरी करेंगे तो इट विल लुक डेफिनेटली गुड और हर कोई आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। आइए देखते हैं मेरी फोर्थ ड्रेस कौन सी है और उसे कैसे पहनेंगे। सो गाइज माई फोर्थ टॉप एंड स्लिट स्कर्ट इज दिस। ये टॉप मेरे व्यूअर्स ने देखा होगा जो मुझे फर्स्ट डे से देखते हुए आ रहे हैं, मैंने इसे शीन के हॉल में भी डाला था। दिस इज़ अ वेरी क्लासी टॉप, ये बहुत ही प्यारे गले का टॉप है, इसका नेक का वे बहुत ही प्यारा है, और इसके नीचे जब मैं स्लिट पहनूंगी तो देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। तो चलिए लेट्स स्टाइल इट आउट। गाइज दिस इज माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट लुक। यू कैन सी मैंने इस टॉप को स्लिट के साथ कैरी किया है विथ हाई पोनी, हाफ पोनी से कहते हैं, और
स्क्वायर शेप्ड लूप्स एंड हाई हील्स. आई एम जस्ट लव विद द हाई हील्स. सो गाइस, ये लुक आप कोई भी अपने फेस्ट में, किसी भी तरह की पार्टी में, कॉलेज पार्टी, ऑफिस पार्टी, मैंने वैसे तो सारे ही लुक पार्टीज के लिए बताए थे, बट ये लुक अगर आपकी बहुत ही बेस्ट वाली पार्टी है तो आप उसमें भी कैरी कर सकते हैं एंड यू विल लुक जस्ट ऑसम. आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो तो ज़रूर बताना. देखिए, मैंने इस तरह से इसे पूरी ड्रेस को कैरी किया है. आप चाहें तो इसके नीचे बेली भी कैरी कर सकते हैं, आप चाहें तो हाई पोनी बना सकते हैं, हाफ पोनी की जगह. हर कोई लुक आपको सूट करेगा, क्योंकि इसका बहुत ही प्यारा ये नेक की वे आप देखेंगे, इसका मुझे नेक बहुत ही अच्छा लगता है. क्रिस क्रॉस हॉल्टर टॉप है ये, और क्रिस क्रॉस ही इसकी नेक है. इट इज़ बैकलेस और ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और ऑसम लुक देता है. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. मेरे आउटफिट्स यहीं ख़त्म होते हैं. मैं आगे भी बहुत से आउटफिट्स, बहुत से ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपको एक एक ड्रेसेस का स्टाइल्स बताती रहूँगी. अगर आपको आज की कोई भी ड्रेसेस की हेयर स्टाइल, कोई भी ड्रेसेस की ड्रेस या फिर कुछ भी पसंद आया हो तो मुझे अपनी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसमें कमेंट करें कि आपको कौन सी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए. और गाइस, हाँ, लास्ट डे मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए हैं कि रितिका प्लीज़ मुझे ये वाला बताओ, रितिका प्लीज़ मुझे ये वाली रेमेडी बताओ, रितिका प्लीज़ मुझे ये वाला हेयर स्टाइल बताओ. सो गाइज, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आज को वीडियोज़ नहीं बना पाई हूँ, बट बहुत जल्दी मैं आप लोगों को उन सबकी वीडियोज़ बना के दूंगी. तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी. सो गाइज, डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो. आपके हर कोई टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा, आपके हर कोई टॉपिक की आपको रेमेडीज सॉल्यूशंस मिलेंगे. मैं बहुत जल्दी आपके एक एक क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं, मैं आपको वीडियोस बना के ज़रूर दूंगी. तब तक के लिए आप बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और आज की वीडियो में आपको कौन सा आउटफिट पसंद आया. और गाइज, मैं आपको बता दूँ कि आज के जो सारे आउटफिट्स थे उनमें से दैट बेल्टेड पैंट वन दैट इज़ गिफ्टेड बाय समवन, और जो बाकी हैं वो मैंने लक्ष्मी नगर से लिए हैं. हाँ, लक्ष्मी नगर से ही मेरी सारी कलेक्शन है. मैं लक्ष्मी नगर से ही बेसिकली शॉपिंग करती हूँ. लक्ष्मी नगर कलेक्शन इज़ ऑसम इन इयररिंग्स, इन हील्स और इन आउटफिट्स. आपको हर तरह के कपड़े लक्ष्मी नगर में मिल जाएंगे. जो दूर रहते हैं, मैं उन दोस्तों के लिए भी बता दूँ कि लक्ष्मी नगर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग. सो गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आज की वीडियो को लेकर, सो डू लीव योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. और अगर वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई रियली नीड योर सपोर्ट दिस टाइम. तब तक के लिए